आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कि हो गया कपड़ा हो गया या फिर मोबाइल हो गया या कोई इलेक्ट्रिक सामान हो गया या फिर दवा हो गया, इन सब कुछ भी हो सकता है इस तरह से सामान, तो उस पर एक रेट लिखा रहता है और साथ में यह भी लिखा रहता है कि इस सामान पर इतना परसेंट का डिस्काउंट या छूट है। तो यहाँ पर जो छूट लिखा रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम दुकान पर गए और कोई सामान हमें पसंद आ गया और उसका रेट है 500 रुपया, वहाँ पर लिखा हुआ है उसका MRP कितना है, वह है 500 रुपया, और साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इस पर 5% या 10% या 15% या 20% इस तरह से करके या 50% इतना इस पर क्या है, डिस्काउंट है या छूट है। तो यहाँ पर जो छूट है उसको किस तरह से निकालेंगे, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिया हूँ और एक प्रश्न आप सीख जाएंगे ना, तो इस पर जितना भी प्रश्न होगा ना, उन सभी प्रश्न में यदि आपको छूट निकालना होगा या फिर आपको दुकान पर जाकर कुछ खरीदना होगा और उसका रियल में वैल्यू मालूम करना होगा कि छूट निकाल कर यह वस्तु हमें कितना रुपया में मिलेगा, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि कोई वस्तु है जिस पर लिखा हुआ है यह वस्तु है 1000 का, इस पर कितना लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि यह वस्तु है 1000 का, और साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इस वस्तु पर हमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा या छूट मिलेगा, तो हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे। जब 1000 का वस्तु है और 20% का छूट है तो हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका जो मूल्य प्राइस है, यहाँ पर जो इसका MRP है, उसको पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 1000। उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर छूट कितना है, तो छूट है 20% का, तो हम गुणा में करके लिख लेंगे 20। इस तरह से देखिए जितना भी वस्तु का मूल्य होगा उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद जितना उस पर छूट मिलेगा उसको हम साइड में गुणा में करके लिख लेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, हमेशा यह बात याद रखिएगा, हमेशा छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से भाग दे देंगे इस तरह से। अब इसको कटा देना है और जितना आएगा ना उतना रुपया कम कर देना है। तो देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट गया और यहाँ पर भी एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब बचा क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 100 × 2 = 200। यह हो गया कितना, यह हो गया है 200। तो यहाँ पर जो 200 आया है ना, इतना हमें रुपया इसको कम देना है। कहने का मतलब कि 1000 में हमें 20% का जो छूट है ना, तो 1000 का 20% कितना हुआ, तो यह हुआ है 200। अब हमें दुकानदार को कितना रुपया देना है, तो देखिए 1000 में से हमें 200 रुपया को कम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 008 हो जाएगा, तब हमें दुकानदार को कितना रुपया देना है, तो हमें दुकानदार को केवल 800 रुपया ही देना है। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु का डिस्काउंट या छूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।